व्हाट्स अप फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूड शूट मेन। तो दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से मुरसल साइड आ चुके हैं और भाई हम अपनी मन्नत पूरी करने आए एक बहुत ही बढ़िया हवेली पे। आओ कभी आप भी हवेली पे अपनी मन्नत पूरी करने, वो वाली मन्नत है तो खाने पीने की मन्नत पूरी करने आना। तो एक बार आपको यहाँ का एरिया दिखाता हूँ, पहले आप मेरे एक बार लेफ्ट में देखिए कितनी सुंदर सी दोस्तों यहाँ पर कार लगी हुई है। आप यहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हैं, बस अंदर आपको सिटिंग वगैरह आपके यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है। एक बार आप आसपास का भी एनवायरनमेंट देखिए कितनी ग्रीनरी वगैरह है दोस्तों, मतलब फील जो है ना एकदम बहुत बढ़िया तरीके से फील दी हुई है इन्होंने, तो जिससे आपको मतलब यहाँ पर मज़ा आएगा। ठंडी ठंडी हवा लगेगी, थोड़ी गर्मी धूप महसूस होगी, देखिए प्लांट। और भाई सबसे अच्छी तो दोस्तों ये बात है यहाँ पर देखिए फाउंटेन लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आइए फोटो क्लिक कराइए। ताजमहल में देखा होगा आपने फाउंटेन वगैरह, तो भाई यहाँ पर भी आप पूरा फाउंटेन का अच्छे तरीके से मज़ा ले सकते हैं। आइए एक बार और आगे दिखाते हैं, यहाँ पर मैनिक्विंस लगे हुए हैं और दोस्तों देसी फील देने के लिए उन्होंने यहाँ पर खाटे लगाई हुई हैं। खाटे को तो आप देखो देखते ही समझ जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पर बेस्किन रोबिस किड्स जोन भी, आप बच्चों के साथ भी आ सकते हैं अपना। यहाँ पर मैनिक्विंस लगे हुए हैं, आप इनके साथ भी फ़ोटो क्लिक कराइए। और चाट कन्फेक्शन शॉप खाटे लगे, चलो आपको एक बार अंदर का भी व्यू दिखा देता हूँ कैसा बनाया हुआ इन्होंने। और अंदर जाने से पहले दोस्तों वहाँ पर एक स्कूटर भी है, आपने ऐसे स्कूटर गोलमाल की मूवीज में देखा होगा, वहाँ पर तो बाइक थी, यहाँ पर ये स्कूटर है, इस पर भी बैठ के आप कराइए फोटो क्लिक्स। और फिर हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए अपना वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया भी इन्होंने देसी फील दे रखी है, खाट टाइप लगा हुआ है, स्टूल बना रखा है। इस साइड आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई ये बिल्कुल ओल्ड स्टाइल ओल्ड फैशन कार इन्होंने डिस्प्ले के लिए लगा रखी है। फोटोज़ क्लिक करें, यहाँ पे एक वेल है यहाँ पर, भाई जिसको शौक है लो ऐसे करा लो क्लिक, या ऐसे करा लो या इसको खींच लो, जैसे मर्जी आप करा लो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने सारी चीज़ें तो आपको दिखा दी, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन करी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के ना एक बार अंदर चलते हैं, मेकिंग दिखाते हैं, किचन दिखाते हैं और आपको टेस्ट के बारे में ना सब कुछ बताएंगे। आइए एक बार। तो दोस्तों ये है इनका वर्क प्लेस, यहाँ पर भाई ये किचन तक कह लो आप इनको, वर्क प्लेस कह लो कुछ भी कह लो भाई, कर्मचारियों के लिए तो इनका किचन ही वर्क प्लेस होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये आटे के रोल बना के इन्होंने रखे हुए हैं। ये दोस्तों चूल्हा है अपना, इस साइड ये देखिए दोस्तों इन्होंने स्प्रिंग टाइप करके भी रखा हुआ है, ये देखिए आप। ये देखिए दोस्तों ये और एक इनका तंदूर चूल्हा कुछ भी कह लो, ये आई भाई गरम गरम अपनी तंदूरी रोटियां या परांठे। देखिए कितनी साफ सफाई से दोस्तों यहाँ पर सारा काम हो रहा है। और ये देखिए भाई पापड़ कैसे बढ़िया, कितने यूनिक तरीके से गरम करते हैं, ये तसला कहते हैं हम इसको दोस्तों देसी भाषा में, तो उसके ऊपर ही अपना पापड़ गरम कर रहे हैं। और ये देखते जाइए बस, आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा अपना ये महाकोश ऑयल है शायद या घी होता है उसमें ये बनाते हैं। ये देखिए लोई बनाने के बाद अब ये इसको स्प्रिंग रोल टाइप बनाएंगे, ये देखिए, और बस फिर दोस्तों ये इसको ऐसे ही बेल के इस तंदूर में गरम करेंगे। चलिए अब आपको सब्जियां भी दिखाते हैं, सब्जियां कैसे रखते हैं। ये देखिए बिल्कुल गरम गरम रखी हुई है यहाँ पर, देखिए नीचे दोस्तों गरम पानी होता है इनका जिसके ऊपर ये बर्तन रख देते हैं ताकि जो सब्जी आए ना वो गरम रहे। और ये भाई अपना स्वीट गुलाब जामुन अपना जो हमें बहुत पसंद है, और ये दोस्तों अपनी सब्जी आए सारी आप देखते जाइए सब। तो सारी सब्जियाँ दोस्तों ऐसी रखते हैं ये, और देखेंगे यहाँ पर ये मिर्ची वगैरह यहाँ पर सब चॉप्ड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। स्टील के बर्तन देखिए दोस्तों क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आपको ये सर्विंग मिलेगी अगर आप फुल प्लेट लेंगे तो। वहाँ पर दोस्तों ये देखिए अपनी कढ़ाई मसाले वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है सैलेड की, ये देखिए भाई देखते मतलब मज़ा आ जाए। ये देखिए भाई यहाँ वेजिटेबल्स कटती हैं, ये कितने अच्छे तरीके से काट रहे हैं वेजिटेबल, स्पीड अच्छी है। और दोस्तों यहाँ पर अपना पास्ता वगैरह जो कॉन्टिनेंटल होता है उसका सामान यहाँ पर रेडी होता है, देख सकते हैं आप। अंदर भी दिखा देता हूँ एक बार आपको, मैं आइए
ये देखेंगे आप, यहाँ पर पास्ता भी रखा हुआ है, चाउमीन भी है, स्प्रिंग रोल भी है, ये देखिए पत्ता गोभी वगैरह, मतलब बेल पेपर, आपके अनियन, टोमेटोस, कोरिएंडर, ब्रोकली, सब कुछ दोस्तों फ्रेशली कट करके रखा होता है यहाँ पर इन्होंने। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये बाहर इनका खोमचा कहते हैं जिसे, वहाँ पर ये वो है, ये आउटडोर है। यहाँ पर देखेंगे आप ब्रेड पकौड़े, सैंडविच वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बाहर मिलेगी, जैसे डोसा हो गया, उत्पम हो गया, फ्राइज़ हो गए, बर्गर हो गए, हॉट डॉग हो गए, आपके छोले भटूरे हो गए, ये दोस्तों ये इनकी वेराइटियाज़ हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर शॉर्ट रुका हुआ है ये, देखिए अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बाहर मिलेंगी, जो भी मतलब डेजर्ट भी बाहर मिलेगा, पाव भाजी, जो भी खोमचे के आइटम्स होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपको मिलेगी। ये देखिए तंदूरी में, तंदूर में पनीर टिक्का वगैरह, ये देखिए दोस्तों केसर का दूध भाई, कढ़ाई वाला केसर का दूध, वो भी कुल्लड़ वाले का, मज़ा ही आ जाए पी के। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं अपनी टेस्टिंग की तरफ, बताएंगे आपको कि हम क्या ले रहे हैं। और ये यहाँ पर एनवायरनमेंट देख सकते हैं आप। तो दोस्तों लग गया अपना, हम बताते हैं हमने क्या क्या लिया है। इधर आ भाई, ये दोस्तों हमने लिया है यहाँ की हवेली की स्पेशल थाली। देखिए एक तरीका का हाफ हवेली कह लेते हो, ढाबे में भी ये सब ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने ना तो ये सब थाली में ले लिया ताकि आपको हम डिफरेंट वेराइटीज़ भी ट्राई करवा सकें। वो क्या है, एक तो हमने दोस्तों ये लिया तंदूरी प्लेटर, इसमें अपने सारी चीज़ें, इसमें मशरूम भी है, पनीर भी है, चाप भी है, और गोभी वगैरह सारी चीज़ें, इसमें पनीर टिक्का वगैरह सब है, बहुत सुंदर प्लेटर लग रहा है। और हमने लिया भाई एक मोनचाव सूप, लिया क्वांटिटी ज़्यादा थी तो हम इसको हाफ हाफ में करवा लिया। तो चलिए मैं पहले आपको प्लेटर का टेस्ट करके बताता हूँ, प्लेटर करूँ या थाली करूँ? थाली करते हैं पहले, चल स्टार्टर से भी पहले वो आता है, सूप आखिरी में लेंगे हम, सूप डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले थाली करते हैं। कोई नहीं, हम उल्टा चलते हैं, मेन कोर्स ट्राई करते हैं सबसे पहले। ये है दोस्तों तंदूरी रोटी, और ये है एक लच्छा परांठा, एक तंदूरी रोटी, पापड़। तो चलिए स्पून लेते हैं भाई, स्पून स्पून स्पून, ये रही, ये रही अपनी, ये है अपनी शाही पनीर, ऑसम टेस्ट जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई। अब मैं जल्दी जल्दी ट्राई करता हूँ थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए यार, ठीक है ना। अब ये है दोस्तों इनकी मिक्स वेज, खाते हैं इसको, ये भी दोस्तों 2 ml है, मिर्ची दोनों में ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, हमारे जैसे एज के भी खा सकते हैं, हर एज के लिए परफेक्ट चीज़। और इस थाली में सब कुछ ही आ गया, आपका डेजर्ट भी एक आ गया, आपको देखिए यहाँ पर रायता भी आ गया, पापड़ भी आ गया, तो अलग से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। और जो नॉर्मली हम 3 सब्जियाँ खाते हैं ना भाई, नॉर्थ इंडियन जो खाते हैं, दाल मखनी, शाही पनीर, कहीं भी चले जाओ, ढाबे में भी चले जाओ, दाल मखनी, शाही पनीर भाई होती होती है। तो अब आखिरी हम टेस्ट करते हैं दाल मखनी, बिल्कुल भाई देखो सब्जी वगैरह तो दोस्तों सारी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब हल्का सा मैं गुलाब जामुन भी टेस्ट कर लेता हूँ, मीठा बाद में, हल्का सा मैंने खा लिया, उठाओ मैंने खा लिया, वाह 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 भाई, ये तो मदहोश हो गया मैं खाते ही, इसको अब खाऊंगा आखिरी में। अब अपनी थाली थोड़ी सी सेपरेट करते हैं, और दोस्तों मन्नत हवेली आकर इनकी थाली ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त थाली है, एक बंदे के लिए परफेक्ट है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, हम यहाँ रखते हैं थाली, अब आते हैं भाई प्लेटर पे, ले हम उल्टा चलते हैं, अब स्टार्टर लेते हैं। और दोस्तों आप ये साथ में प्याज भी ले सकते हैं, चटनी वगैरह सब कुछ है, इसके लिए हमें चाहिएगा फोक, देखते हैं फोक है यहाँ पर या नहीं है, नहीं तो हम हाथ से ही खा लेंगे भाई, फोक नहीं है, फोक मंगाना पड़ेगा, ले रहा दिख जा दिख जा। ये है दोस्तों अपना पनीर टिक्का है, ये डिप लेते हैं एक, मिंट सॉस तो देखो तंदूरी प्लेटर में ना एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड करती है, जो मेरे हिसाब से मिंट सॉस बहुत ज़बरदस्त है, पनीर भी अच्छा है, वेल कुक्ड है, अच्छा नहीं लगेगा आपको। और अब लेता हूँ ये मशरूम, शिका भाई दोस्तों देखो अच्छे से,
ब्राउनीज भी आ रहे हैं मशरूम है भाई, ये देख ये देख, छोटे छोटे पीसीज है। मसाले बहुत अच्छे डाल रखे हैं, इतने इतना बढ़िया पका हुआ है दोस्तों, मज़ा आ गया खा के। अब चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये मलाई पनीर है, मलाई पनीर टिक्का कहते हैं। हल्का हल्का मलाई का टेस्ट हमें आ रहा है, जो मीठा स्वाद आएगा ना आपको मलाई का वो आ रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप थोड़ी सी मिनट और ज़्यादा लगाने, जो मीठा पसंद नहीं करते उनके लिए। बस मेरे को अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये क्या है? ये या तो कबाब लग रहे हैं मेरे को, नहीं इधर आ दिखाते हैं एक बार दोस्तों। ये हरा भरा कबाब है, हाँ ये देख ये भाई, ये हरा भरा कबाब है, बाकी टेस्ट पता चल जाएगा। कबाब है दोस्तों ये, हरा भरा कबाब, ये भी बहुत यम। तो सबसे अच्छी बात दोनों चीज़ों में हमको ये लगी कि मिर्च जो है ना भाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कोई खा नहीं सकता। जिसको भाई नहीं स्पाइसी खाना है ना, हमने इनको बोला भी नहीं था कि भाई आप हमारे लिए मिर्च कम कर देना। यहाँ पर सर्विंग ही ऐसी होती है कि छोटे से लेकर बड़ा तक हर कोई यहाँ पर आराम से ईजिली खा सकता है। तो इसको भी हम खाएँगे बाद में सारी चीज़, इसमें भी तंदूरी प्लेटर में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट अति उत्तम। अब हम ट्राई करते हैं मॉन्चाओ सूप, जो भाई ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, वो भी इसे नहीं खाएंगे, तो मैं तो वेज सूप मंगा रहा था। सर्दियों में भाई सूप मस्ट है, अभी तो पीता है लेकिन सर्दियों में ना मॉन्चाओ सूप नहीं वेज सूप अच्छा होता है। इसमें डला क्या क्या हुआ है? इसमें देखो वेजिटेबल्स कटे हुए तो अच्छी चीज़ है, गाजर भी दिख रही है मेरे को, और पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो पता नहीं चल रहा। हल्का सा टेस्ट लेके देखता हूँ भाई, हल्का सा लेता हूँ, गर्म है मुँह धुल जाएगा। टेस्ट सच्ची में अच्छा है जो ये कह रहा था, लेकिन इसको मैं एक हेल्दी ऑप्शन नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें ना मॉन्चाओ सूप है, तो इसमें जो ये नूडल्स डले हुए ना ये मेरे को हेल्दी नहीं लग रहे, ये नूडल्स ही है ना ये। बाकी वेजिटेबल्स हेल्दी डले हुए, तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं हर चीज़ को 9 out of 10 दूंगा। और आप एनवायरनमेंट देखेंगे ना यहाँ पर, इतना सुंदर एनवायरनमेंट है, सोंदे सोंदे गाने भी चलते हैं, तो भाई मज़ा आ जाएगा खा के आपको। बैठ के सिटिंग काफ़ी अच्छी है। तो चलिए हम इसे इतने फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपको हमारे अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा।